चलो फोन कर लाइक ओके गाइस लेट्स स्टार्ट ऑन सो हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग सो वेलकम टू द जर्नी ऑफ सी ए इंटरमीडिएट ऑल द स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर नवंबर 24 आप सभी का इस शो में है बहुत बहुत स्वागत राइट right? सो so, दोस्तों आप लोगों ने बहुत लोगों ने सी ए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन दिए होंगे एंड यू मस्ट बी वेटिंग फॉर द रिजल्ट एंड बहुत सारे लोगों ने सी ए इंटर को डायरेक्टली ज्वाइन किया है राइट right? सो so, वेर आर टू डिफरेंट पीपल सिटिंग इन द क्लास एक जमाना होता था मोस्टली सारे बच्चे होते थे कौन से पता मोस्टली सारे बच्चे सी ए फाउंडेशन के आया करते थे बट जब से ऐसा हुआ है कि अब आप सभी जानते सी ए में डायरेक्ट एंट्री करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है आप जानते हैं इसकी वजह क्या है फाउंडेशन देना नहीं पड़ता ओके दैट इज द रीजन वो तो सही बोला है बगैर ही आप धीरे सी ए इंटर में आ सकते हो अब हम अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं हम कर सकते हैं सी इंटर की तैयारी मतलब मैं तो चाहता हूं कि बहुत लोग सी ए e. बने इसकी वजह बिकॉज आपको मैंने जैसे कि लॉ के लेक्चर में कहा था आजकल सी ए e. का डिमांड बढ़ने वाला है और आने वाले कई साल तक सी ए e. का बहुत वैल्यूएशन रहेगा इसलिए बहुत सारे सी ए e. की जरूरत भारत में होगी तो चाहे जितने आज आज तक के इतिहास में केवल तीन साढ़े तीन लाख ही लोग जो है अब तक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाए हैं डेढ़ सौ करोड़ की आबादी में यानी कि हमारे संख्या वाकई में बहुत ही कम है सब, सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ही ज़्यादा है तो ऐसे वो कोर्सेज सारे कोर्सेज जहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होता है तो वैल्यूशन तो रहेगा ही सो अनडाउटेडली सी के चरित्र पर कोई दाग नहीं इसका चरित्र बहुत अच्छा है इसमें सब कुछ है बट सिर्फ एक ही बात है सर क्या सी ए वालों का रिजल्ट क्यों इतना कम आता है बिकॉज लोगों को समझता नहीं कि पढ़ाई कैसे करते हैं वो अपने तरीके से जैसे वो ट्वेल्थ में पढ़ रहे थे जैसे वो बचपन में स्कूल में पढ़ रहे थे वही तरीक़ों से वापस पढ़ने की कोशिश करते हैं फिर बहुत बार सी ए फाउंडेशन भी फेल हो जाते हैं और फिर इंटर में भी फेल हो जाते हैं सी ए इंटर डिफिकल्ट नहीं है और पहले तो मैं कहता था सी ए इंटर बहुत वास्ट था अब तो वास्ट भी नहीं रहा अब तो छह ही सब्जेक्ट रहे यानी कि पास करने वाला इंसान अगर कंसिस्टेंटली आने वाले नौ महीने में लगातार पढ़े कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ में बार बार रिवाइज करें तो कोई भी बच्चा यहां पे पास हो सकता है मैं आज आपको कहना चाहूंगा पास होने के लिए एक सक्सेसफुल फॉर्मूला आपको दिखाना चाहूंगा अगर आपको हमेशा लगे कि कोई भी जैसे कि मैंने आई डिड ड माई सी मैंने सी किया मैंने सी किया मैंने एल किया मैंने सीसा किया मैंने बी किया, किया पांच डिग्रीज पर वाकई में मैं बहुत होशियार व्यक्ति नहीं था वेन आई आई वॉज नॉट अ वेरी क्लेवर स्टूडेंट इनफैक्ट मैंने इंटरमीडिएट में दो अटैम्प्ट में फेल हुआ था सो so, जब मैंने दो बार अटैम्प्ट में फेल हुआ तब तो देन आई अंडरस्टूड कि यार पढ़ाई करते कैसे दैट इज टू बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली मैं बहुत मेहनती व्यक्ति था पर मैं पास नहीं हो रहा था व्हाट वाज द रीजन बिकॉज आई वाज नॉट नोइंग एग्जैक्टली हाउ इट इज टू बी लर्न और पढ़ते कैसे इसे दोस्तों हर कोई व्यक्ति जो मेहनत करना चाहता है अगर वो ये समझ लेना कि पढ़ाई कैसे करते वो हर कोई व्यक्ति मेरे जैसा पास हो सकता है इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा जब मैं वो दो बार फेल हुआ उसके बाद में जब मैं समझा जब मैंने समझने की कुछ कि मैं फेल क्यों हो रहा हूं एक बार जब से मुझे समझा कि पढ़ाई करते कैसे है उसके बाद मैं लाइफ में मैं कभी फेल ही नहीं हुआ फिर सी एल एल में फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हुआ सी एस में तो मैंने बगैर पढ़ाई करते में पास हुआ एल एल बी में मैं बहुत पढ़ाई कभी नहीं किया फिर भी पास हुआ सीसा जो इतना डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है वो भी मैंने क्लियर किया सो so, ये सारी जो चीज़ें मैं क्लियर करते गया इसका मतलब नहीं कि मैं अचानक से होशियार हो गया और बहुत मेहनत करने लगा मैं होशियार पहले भी उतना ही था और मैं हार्डवर्किंग उतना पहले भी था जब मैं फेल था तब भी हार्डवर्किंग था बट एग्जैक्टली आई वॉज नॉट नोइंग कि हाउ पढ़ाई कैसे करते बिकॉज हम में से बहुत लोगों के खानदान में कोई सीए नहीं है आप लोगों में से कितने लोगों के खानदान में कोई सीए है ये बस एक वजह कितने लोगों के खानदान में कोई सीए नहीं है आ, बहुत लोग मेजोरिटी किसके खानदान में हम लोग पहली बार चिराग जलाएंगे यानी हमारे फैमिली के अंदर हम पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होने जा रहे हैं यानी कि हम लोग क्या करते हैं पता है बहुत लोग हैं जिनके फैमिली में कोई सीए ही नहीं है दे स्टार्टेड डूइंग सीए तो ऐसे समय पर होता क्या हम अपने तरीके से कोशिश करते हैं हमें लगता है ट्वेल्थ जैसे में पास हुआ था या टेंथ में जैसे मैं पढ़ाई कर रहा था अब मैं वो तरीके से पास हूं तो आपकी सोच गलत है मैं आज आपको तरीका समझाऊंगा कि आखिर सीए इंटरमीडिएट में और फाइनल में पास होने का तरीका होता कैसे है या फिर लेटेड बी एनी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन हाउ यपोज टू स्टडी ये आपको सभी को पता सबसे पहले पता होना चाहिए कंसेप्ट की वो कंसेप्ट क्या है रट्टा मारने का नहीं पहले कंसेप्ट को समझने का कंसेप्ट क्यों है और सबसे पहले हमेशा बिलीव करने का वॉट पर वेन एवर यू इन द क्लास यू शो कसन वाई ये चीज़ आई क्यों है ये दुनिया में क्यों है अगर मैं लॉ का को कोई सेक्शन पढ़ रहा हूँ ये चीज़ क्यों दी है भाई गवर्नमेंट ने क्यों बनाई होगी वेन यू नो वाई यू आर एबल टू तो अंडरस्टैंड वॉट वेरी क्लियरी इससे हमेशा आपका मन हमेशा वो होना चाहिए कि जहाँ पे वो हमेशा पूछे ये क्यों है भाई ये चीज़ दुनिया में क्यों आए वॉट इज अ रीज़न बी एंडेड क्यों जब समझता है तो वॉट बहुत अच्छे से समझता है पर हम लोग बिलीव करते हैं ये ऐसा ऐसा है इनकम टैक्स में अमीरों के लिए ये लगाया जाता है गरीबों का टैक्स इतना होता है अरे भाई ये समझो कि क्यों लगाया जाता है परसेंटेज अपने आप याद हो जाएंगे ये सेक्शन सेक्शन पनिशमेंट इस की इतनी है वो क्यों है उसके पीछे पहले जब ऐसा सेक्शन था तो पहले ऐसा ऐसा हो रहा था तो इसलिए यू शुड नो द एंड देन यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हमेशा अपने आप से जिद होना चाहिए कि मैं जानूं की क्यों है दुनिया में तो सबसे पहले क्या कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर एक बार कंसेप्ट क्लियर होने के बावजूद भी आप क्लियर नहीं होते सो मेनी हैव गॉट अमेजिंग स्टिल क्लियर बिकॉज उनको लगता है अब में जो सब आता है पर एग्जामिनेशन हमारा मेमरी टेस्ट का होता है दोस्तों हमारे सारा के सारा पेपर एमसी क्यू बेस नहीं होता डिस्क्रिप्टिव आंसर वेर यू शुड रिमेंबर एंड राइट रिमेंबर एंड राइट रिमेंबर तो रिमेंबर कैसा होगा आप देखते हो बहुत सारे गाने आप जो सुनते हो आप बैकेंड में ऐसे पैसेविली सुनते हो वो आपको याद हो जाते हैं बिकॉज आपने उसको रेडियो पे सुना कभी यूट्यूब पे सुना तो कभी स्पॉटिफाई पे सुना तो कभी चलते चलते आपने किसी और जगह पे सुन लिया इसे बहुत गाने जो आपने कभी ध्यान ना भी दियो फिर भी बार बार सुन के बार बार सुन के आपको वो चीज़ें याद हो जाती है इसी तरह से दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट होता है जिसको बार बार पढ़ना जरूरी होता है अब वो वाहियात गाने जो है हम जिसको ध्यान नहीं देते वो याद हो जाते हैं तो हम लोग जो पढ़ाई जिस पर हमारा करियर जिसमें हम लोग बहुत फोकस करते हैं वो तो कितना आसान है याद होने के लिए इसे क्या करना चाहिए दोस्तों हमने पढ़ने के बाद में क्या करना चाहिए हमेशा उसको बार बार रिवाइज कोई भी सब्जेक्ट अगर आठ नौ दस ग्यारह बार आप जब रिवाइज कर लेते हो तो उसमें पास होने का मतलब कोई मतलब वो होता है कि देर इज नो डाउट अबाउट यू नो गेटिंग फेल्ड आपको शॉर्ट शॉर्ट पास होना ही फिर आप बोलेंगे सर कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए रिवीजन चाहिए इतना ही चाहिए ना तो पास तो हो जाना चाहिए फिर हर कोई बच्चा पास क्यों नहीं होता बेटा पर प्रॉब्लम है की रिविजन इतने सारे सिलेबस की करे कैसे इट इट नॉट इट इज नॉट पॉसिबल टू रिवाइज सो मेनी टाइम्स इसके लिए बहुत ज्यादा बड़ी स्ट्रैटेजी आपके साथ में होना चाहिए यह तभी मुमकिन हो सकता है जब आपने हर सब्जेक्ट की बनाई हुई छोटी छोटी नोट्स छोटी छोटी समरी नोट छोटे छोटे चार्ट आपने बनाए होंगे तो वो 500 पन्ने की किताबें याद करना रिवाइज करना बहुत मुश्किल है पर उसका एक समरी क्रक्स जो निकालते हैं 50 100 पन्ने का उसको रिवाइज करना बहुत आसान है जरा एस एम रॉक्स वगैरह लिखे एस एम रॉक्स और सब लिखे ना एस एम रॉक्स और चार्ट्स मैं आपको ज्यादा मैं क्या बोलना चाहता हूँ जैसे ये जो मेरे सामने किताब है ये किताब है वैसे अगर आईसीए की बात करो तो आईसीए ने इस किताब को दो पन्नों में बनाया पर मैंने आपके लिए खुद से बैठ के इसकी समरी बनाई अपने हाथों से समरी बनाई है और यह समरी बना दिया सिर्फ सिर्फ सिक्सटी सिक्स पेजेस की सर आपने इसमें कट शॉर्ट किया कोई कॉन्सेप्ट डिलीट किया जी नहीं मैं पढ़ाते समय क्लास में दो सौ पन्ने से ही पढ़ाता हूं पर बच्चों को यह किताब देता हूं अपने हाथों में ताकि बच्चा इससे रिवाइज करे इसमें वो अनवांटेड चीजें जो मॉडल में लिखी हैं जिसका कोई मतलब बहुत एग्जामिनेशन में नहीं है या फिर बहुत एक्टिवाइज पैसिवाइज बहुत डुप्लीकेशन उसको सबको हटा के मैंने उसको ये सिक्सटी सिक्स में निपटा है यानी वन थर्ड में निपटा है अब इसके रिविजन करने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे जैसे दोस्तों इस दुनिया में सबसे बड़ा एक काम होता है कंसेप्ट समझना और दूसरा काम होता है बहुत बार रिवाइज करना पास के लिए दो ही चीजें लगते हैं पर उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिवीजन होता नहीं है और रिवीजन नहीं होने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास छोटी नोट्स होती नहीं है इसलिए हम ये पूरी कोशिश करते हैं क्लास के अंदर ही आपको ऐसी समरी नोट दे दे चाहे वो एफ की बात करेंगे चाहे की तो आपको मिलने जा रही है समरी नोट इनफैक्ट मैंने आपके लिए बीस पन्नों की समरी नोट भी बनाई है जैसे सिक्सटी पेज की समरी नोट है सर इसमें पूरा सिलेबस हंड्रेड परसेंट सिलेबस कवर होता है इतना ही पढ़ना सब कुछ हो जाएगा क्लास होने के बाद क्लास में जब मैं पढ़ाऊंगा विस्तार में वो पढ़ाऊंगा ऐसे मॉड्यूल से पढ़ाऊंगा जो पूरी बुक होगी जो मॉड्यूल का कॉपी पेस्ट होगा मेरे किताबों के साथ में आपको मॉड्यूल से अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज क्लास के अंदर जो बुक का इस्तेमाल करता हूं मैं वो पूरा मॉड्यूल का कॉपी पेस्ट है सर फिर मॉड्यूल ही है जी हाँ मॉड्यूल है एक वर्ड भी डिलीटेड नहीं है क्योंकि आई से पूछता ही मॉड्यूल से है

ये किताब है जो बहुत मोटी किताब है ये लगभग मैं उसका कर ये 200 पन्नों की किताब है जिससे मैं पढ़ाऊंगा क्लास में बट जब मैं रिवीजन की बात करूंगा तो ये जो है इसको समराइज ये 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 लार्ज है ये है और ये है मिड साइज साइज और स्मॉल सब में वही है चौस इज योर्स आपको लार्ज पसंद है स्मॉल इट इज ऑल योर्स कोई बोलेगा सर मुझे लार्ज पसंद है आप लार्ज में चले जाना पढ़ाएंगे तो लार्ज से ही बिकॉज इसी से यह बच्चा पैदा हुआ है और इसी से ये बच्चा पैदा हुआ है ये बीस पन्नों में भी वही सार है साठ पन्नों में भी वही है और एक सौ अस्सी में भी वही है ये इसका वन थर्ड है ये उसका भी वन थर्ड है सर क्या बात कर रहे हो हाँ, ये से बीस पन्नों में पूरा पचास माह भैया पूरा और क्लास में क्या करता हूं मैं मुझे पूरा यकीन है कि बच्चे समरी नोट नहीं बनाएंगे सुनेंगे सब करेंगे दिल की मैं बच्चों की हरकतों को अच्छे से जानता हूं पिछले पंद्रह सालों से पढ़ाता हूं मैं बोलता हूं मैं बोलूंगा ना रिवाइज करना हाँ सर करेंगे कैसे करेंगे उसका कोई प्लानिंग नहीं कर लेंगे इससे आप घंटा रिवाइज नहीं कर पाओगे ये दो सौ पन्ने को आप दस बार पढ़ के दिखाओ मुझे क्या आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ाई करना है नो बेबी यू शुड हैव अ स्मॉल समरी नोट्स लाइक दिस और इससे आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाओगे ये जो बुक ये किताब दिख रही है ना ये उसी का ही किताब है ये देखो ऐसे दिखती है बाहर से ऐसे दिखती है और ये अंदर से ऐसे दिखती है सर इसमें आईसीए के पास्ट एग्जामिनेशन वो भी डाल दिए इसमें कोई कोई सवाल को समझाने के लिए मेमोरी टेक्निक्स वो भी डाल दिए जैसे कि यहां पे लिखा है मे 19 में पूछा था मे 21 में पूछा था आरटीपी में ऐसा पूछा था आपको सब कुछ एक जगह पे और जब कोई चीजें छोटी होती ना तो बर्डन वैसे भी कम अच्छा इतना ही पढ़ना है ना सलाह मैं तो चार घंटे में पेल दूंगा इसको पर जब आपके इसमें ऐसी मोटी मोटी किताब है इट टेक्स टाइम कम ऑन तो आप क्या होता है जब आपके इसमें ऐसी छोटी छोटी किताब तो दस बार बारह बार रिवाइज करना आराम से और आपके आपको इतना बात बता रहा हूं मैं क्लास के अंदर जरा ये सुनो ये जो क्लास चल रही ना किसी का भी एसएम का चार्ट बुक लेके आना एक दो लेके आना जरा मैं आपको बताता हूँ ये जो अभी क्लास चल रही है आपके लिए अच्छा है मेरे लिए बताने के लिए तो क्या होता है ना ये चार्ट बुक जो होती है उस चार्ट बुक में मैं क्या करता हूँ चिट्ठिया लगाता हूँ यानी कि स्टिकी नोट्स लगाता हूँ ये कॉन्सेप्ट है इसके सिर्फ हेडिंग हेडिंग्स है पर मैं जानता हूँ इस हेडिंग के अंदर भी डेटा होना चाहिए तो क्या होता है देखो यहाँ पे जैसे मैं चार्ट दिखाता हूँ चार्ट बुक सब लोग ध्यान से सुने समझे तो क्या होता ये दोस्तों अभी ध्यान से सुनना मैं आपको चार्ट बुक भी दिखा रहा हूं वो चार्ट बुक में कैसे हम लोग स्टिकी नोट लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं कि जब मुझे लगता है कि जब तक हम लोग लिखते नहीं तब तक याद होता नहीं तो हम लोग क्या करते हैं पहले पढ़ते हैं इस बुक से इसको कहते हैं एक मेन बुक ओके ये मेन बुक से हम लोग पढ़ते हैं

मैं सारी चीज आपसे लिखवा के लूंगा यानी यहां पे लिखते लिखते सारे पन्ने और हम लोग इसमें स्टिकी नोट्स ऐड कर देंगे जो मैं हर कोई कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा जब मैं एस पढ़ाऊंगा एवरी कॉन्सेप्ट विल बी टॉट विद द हेल्प ऑफ एक्जाम्पल्स ओके नो कॉन्सेप्ट बिकॉज एफ और एस जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ चलो इस सब्जेक्ट की मुझे थोड़ी तारीफ करने दो मैं आपको बता रहा हूँ चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ ले चाहे अकाउंट्स पढ़ ले चाहे टैक्स पढ़ ले चाहे ऑडिट पढ़ ले चाहे लॉ पढ़ ले ये लिख के दे रहा हूँ आपको अगर बहुत ज्यादा पैसा कमाना है तो आपके पास सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो होता है वो होता है एफ एम क्या बोला मैंने एफ एम एस एम अकाउंट पढ़ के होता क्या है अकाउंट से आप सिर्फ अकाउंट्स कर सकते हो अकाउंटिंग कर सकते हो ऑडिट से सिर्फ ऑडिट कर सकते हो सी एफ एम में अकाउंट्स ऑडिटिंग करते हैं टैक्स के कर करके पर एफ एम एस एम पढ़ के आप बड़े ऑन्ट्रप्रेनियर बन सकते हो बड़ा धंधा बना सकते हो जिसके भी दिल में ऐसी जिज्ञासा कि मैंने बिजनेस टाइकून बनना है मैं बिजनेस ऑन्ट्रप्रेनियर बनना चाहता हूं मुझे शार्क टाइम देखना पसंद आता है मैं लोगों के बड़े बड़े स्टोरीज जो फंडिंग की होती है जो मुझे शेयर मार्केट पसंद है और मुझे लिस्टिंग आईपीओ इन सब में बहुत इंटरेस्ट है मुझे मार्केट में अच्छा लगता है मुझे पैसा कमाना बहुत पसंद है अगर आप अफला तुन पैसा कमाना चाहते हो तो एक ही जरिया जिसका नाम है, है। तो सब्जेक्ट इज नॉट देयर ओनली फॉर कंप्लीशन ऑफ सी ए इंटरमीडिएट ये सब्जेक्ट है ताकि आपके घर में बहुत पैसा आए मैं आपको बता रहा हूं अगर आपने अच्छा एफ एम और एस एम पढ़ लिया ना आप छोटे से बिजनेस को तो कैसा बड़ा बनाना यह सब्जेक्ट सिखाता है बिजनेस को स्केल कैसे करना हो सकता है आपके पापा के धंधे ही आप करोगे धंधा नहीं बदलेगा शायद पर धंधे करने के तरीके बदलेंगे दोस्तों सब्जेक्ट है मैंने आज पूरा एसपीसी का एम्पायर क्रिएट किया इट्स ओनली बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट आई वुड नॉट हैव बीन सो सक्सेसफुल और आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू एनहांस दिस बिजनेस सो मच आज बहुत सारे अलग अलग जगहों से इस समय पूरे इंडिया से लोग मुझे देख रहे हैं इतने लोग कैसे देख रहे इट्स नॉट बिकॉज मैं सिर्फ टीचर हूं मैं टीचिंग के साथ में मैंने जुड़ा दिया स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और उसको यूज़ करने के बाद में दिस बिजनेस हैज एक्सपेंडेड सो मच यानी कि ये बिजने ये एसएम जो है ये इतना बढ़िया सब्जेक्ट है ना और आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम लोग कुछ ऐसा पढ़ रहे जो कि आपको जो क्लास में आपको जो हमेशा आसपास जो एग्जाम्पल दिखते हैं जैसे कि जब मैं पढ़ाऊंगा एवरी कॉन्सेप्ट विच एल टीच इट विल बी रिलेटेड टू द एग्जाम्पल्स आज हम लोग शुरुआत करेंगे एक दो कॉन्सेप्ट चलेंगे आपको खुद समझेंगे तो पिछली विजय बैच जो ऐसी बैच हुई थी उसके भी आपने कभी देखे उसके आपने देखे कोई देखे कुछ तो आपको पता है कैसे पढ़ते हैं उसमें एवरी कॉन्सेप्ट विल बी टॉट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स क्योंकि जब रियल लाइफ एग्जाम्पल से कोई कॉन्सेप्ट थेरी में जोड़ते हैं ना वो वेरी याद रह जाती है पर थे को थेरी बढ़ूंगा आप सब लेट जाएंगे सो जाएंगे यहां पे आपको सुला नहीं।, नहीं आप अपने आप सो जाएंगे ऑटो ऑटो स्लीप में आ जाओ मैं आपको चाहे तो यहां पे सुला सकता हूं लेटा दूंगा यहां पर अगले पंद्रह मिनट कैसे इतना बोर बनाऊंगा आप बोले बस भाई कितना पका रहा है इतना कोई बोलता है पर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने को उसके उसकी मास्टरी जरूर होती होती है यह सब्जेक्ट जो अभी आजकल हाल ही में बहुत बाजार में कुछ कुछ लोग पढ़ाने लगे हैं जो पहले अब उनका पहले क्या था ना एफ एम ईको था अब वो ईको सब्जेक्ट चला गया लगा अपनी रोजी रोटी कम हो रही थी उन्होंने एस पढ़ाना चालू कर दिया वो पढ़ा नहीं रहे वो बच्चों के लिए हादसा है क्यों बिकॉज नॉलेज वॉलेज कुछ नहीं है चालू कर दिया ठोकना एंड दो एक्सक्लूसिव फैकल्टी अक्रॉस इंडिया जो पहले से एफ को पढ़ा रहा पहले से ईआईसएम पढ़ा रहा हूँ समझा क्या हुआ मैं ये बात कह रहा हूं ध्यान से दिमाग मड़ा रहा हूं पहले मैं ही एफ को पढ़ा रहा था पहले मैं ही ई आई पढ़ा रहा था मेरा ईको चले गया उधर से ई आई चले गया दोनों सब्जेक्ट में पहले से ही पढ़ा रहा हूं पर क्या हुआ हमारे टीचर लोग क्या करते हैं बच्चों को गुमराह करते हैं बच्चों के साथ में स्कैम करते जो सब्जेक्ट उनका नहीं वो भी पिल देते क्योंकि तो रोजी रोटी कम हो जा रही है और तुझे समझता है, है। इसीलिए पंद्रह सालों से पढ़ा रहा हूं आप ये नोट्स देखना ये जो बना रहे, ये बनाने बहुत मेहनत करी हुई है यह नोट्स आपको समझ में आ ऑसम नोट्स है इतने अच्छे नोट्स बाजार में है नहीं ओके अब चालू करते हैं आज एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में वैसे बताना चाहूंगा दोस्तों आपके सामने कॉन्सेंट्रेट करे वैसे बताना चाहूंगा एफ एम और एस एम दोनों बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है ऑसम awesome. मतलब अगर मुझे लगता है कि अगर आपने सी ए बनने के बाद में अगर सच में आपको फिनांस में मजा आ गया ना एफ एम में मजा आ गया तो आप आराम से यू कैन अर्न दो चार करोड़ रुपए आराम से कमाओ एक एक साल के आराम से आप बोले मैं बहुत अच्छा अकाउंटिंग करूंगा या बहुत अच्छा मैं टैक्स में प्रैक्टिस करूंगा या टैक्स में सी ए फॉर्म में काम करूंगा दस लाख बीस लाख पचास लाख इस पूरे इंडस्ट्री में कोई सबसे ज्यादा पैसा देता है ना वो देता है फिनेंस सेक्टर बिकॉज पैसे लोग वहां से कमाते तो देते भी हैं सपोज आपको एफ सब्जेक्ट में बहुत मजा आने लगा एंड यू डू द मास्टरी ऑफ एफ ये मैंने कोई भी एफ वालों से पूछ लीजिए आप तो आपको हो सकता है यू आर गेटिंग अ चांस टू बिकम सी एफ ओ यू आर गेटिंग द चांस टू बिकम फाइनेंसिंग मैनेज फाइनेंस मैनेजर कंपनी का सारा पैसा आपके हाथ में होगा एंड यू विल बी द बॉस ऑफ दैट पैसा सोचो म्यूचुअल फंड कंपनीज में अगर आप फंड मैनेजर बन गए ना तो आपके एयूएम में होंगे दस हजार करोड़ पंद्रह हजार करोड़ और आपको डिसीजन लेना पड़ेगा पैसे कहां पे निवेश करना है कौन सी कंपनी लगाना कौन से शेयर में लगाना है तो सोचो आप लोगों को लोगों के पैसे लेकर उनको कमा के दोगे तो जो आपके पैकेज भी होता है ना दो करोड़ चार करोड़ छह करोड़ इतना पैकेज इंडस्ट्री में सिर्फ फिनांस को मिलता है ये सिर्फ मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ इसे नहीं आपको मैं आज ही बोल रहा हूं अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको एफ एम एस एम पे ध्यान देना है ये सब्जेक्ट जब मैं पढ़ाऊंगा आपको कभी लगेगा नहीं मैं क्लास दे रहा हूं आपको लगेगा मैं रियल लाइफ कुछ पढ़ रहा हूं हम लोग शेयर मार्केट को क्लास में खोल के देखेंगे हम सारे देखो यहां पे मैं आपको पहले थोड़ी चिट्ठियों की बात कर रहा था ये अभी बाजू वाली क्लास से मंगवाई देखो सरीग, सरीग, सर ये सब क्या है ये जब मैं पढ़ाता हूं मैं बहुत एग्जाम्पल्स देता हूं तो ये सब एक एक पेज पे उसके रिलेवेंट एग्जाम्पल्स उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है देखो यहां पर कोई भी पेज देखोगे सर इतना भरा हुआ ये हाँ ये बच्चों ने लिखा हुआ है ये रियल लाइफ क्लास से उठा के लाया आपके लिए ये ऐसा हो और फिर बाद में बच्चों को केवल इतना ही पढ़ना है इतना पढ़ेगा ऐसे में हो गए सोचो कितना मजा आएगा जस्ट टू रीड दिस मच ओनली इतना ही हाँ इतना अब बोलो दस बारह रिविजन होगी ना होगी पास होने ली जाए कंसेप्टअल क्लैरिटी छोटे समरी नोट्स और उसका मल्टीपल रिविजन ये तीन चीज अगर आपके जीवन में आ गए ना आप लोग योर थ्रू एन सी ए इंटरमीडियट टेक माई वर्ड्स अगेन कंसेप्टअल क्लैरिटी छोटी छोटी नोट्स और छोटे नोट्स के दस बारह रिविजन आपको पास होने से आईसीआई नहीं रोक सकता है अक्सर बच्चे क्या करते हैं इन मोटी किताबों से पढ़ते और दो से तीन बार रिवीजन करते फिर एग्जामिनेशन में जाते भूल जाते याद नहीं आता फिर उनकी याद नहीं आता तो याद करने में टाइम चला जाता पेपर कंप्लीट नहीं होता एंड दे आर नॉट एबल टू गेट थ्रू इन द एग्जामिनेशन दिस इज वेरी 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 सिंपल लॉजिक ज्यादा पढ़ोगे कोई गाने को ज्यादा सुनो तो ज्यादा याद रहेगा उसके लिरिक्स ये भी ज्यादा बार पढ़ो ज्यादा आपका ब्रेन चलता है पर आप रिविजन कम करते हो फिर आप जब फेल हो जाते हो फिर लगता है अरे सर मैं फेल हो जाता हूं मुझे लगता है मैं इंटेलिजेंट नहीं आप इंटेलिजेंट हो छिचोर आप इंटेलिजेंट हो पर आपको पता नहीं पढ़ने के लिए बहुत रिविजन चाहिए होती है तो इस क्लास में मैं इतना आपको बताता हूं कि हर कोई जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं इट विल बी ओवर इन द्लास इट सेल्फ वो इतनी बार रिवीजन मैं क्लास में छह से सात बार रिवीजन में लेता हूं आई रिपीट अगेन मैं आपको क्लास में जब पढ़ाऊंगा यू विल रिमेंबर एवरीथिंग ना कि सिर्फ समझोगे आप, आपको सिलेबस याद हो जाएगा याद मैं क्या हो रहा हूं याद हो जाएगा यू विल रिमेंबर एवरीथिंग सब कुछ याद हो जाएगा आपको बिकॉज इतनी बार रिविजन करेंगे हम लोग क्लास में इसलिए इस क्लास का टैगलाइन है यू वॉन्ट पढ़ाएंगे फिर रिवीजन 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 कराएंगे 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 फिर फिर समरी नोट्स बनाएंगे इतना कर लेंगे फिर सब करने के का आईसी के पेपर आप खुद सॉल्व करोगे मैं यहां पे रहूंगा तो उस तरह से बता रहा हूं ये क्लास में ये सब कुछ होने वाला है आज फर्स्ट डे मुझे बताना जरूरी कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा आओ चलो देखते हैं एस में क्या चीज है देर आर फाइव ओके Uh, दोस्तों कॉन्सेंट्रेट करें पांच हमारे पास में चैप्टर्स है दस से बारह मार्क का वेटेज हर किसी का होगा एग्जामिनेशन में साठ मार्क का पेपर आएगा पचास को सॉल्व करना है और पचास मार्क का आपका एफ भी होगा फिफ्टी मार्क्स का एफ और फिफ्टी मार्क का एस एम इट पेपर ओवर और इस पचास मार्क में फिफ्टीन मार्क्स के होंगे एमसी की हम लोग को छोटी किताब से पढ़ना नहीं पढ़ना बड़ी किताब से पहली बार रिविजन इससे करना है बिकॉज एम सी को कोई भी लाइन के ऊपर आ सकता है इसलिए हमने मॉडल का कोई भी लाइन नहीं छोड़ा है हर कोई चीज को डिटेल में पढ़ेंगे विस्तार में एग्जाम्पल के साथ में हम लोग जब पढ़ेंगे आज हम लोग शुरुआत करते हैं एस एम के साथ में संकल्प बैच में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एस एम के कुछ कॉन्सेप्ट के साथ में चालू करते हैं आपको आइडिया आ जाएगा इससे सब्जेक्ट के अध्ययत और मैं आपको बता रहा हूं ऐसा कोई भी लेक्चर में नहीं हुआ कि आपको नींद आ रही है कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको बोर हो रहा है ज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस लेक् रियल लाइफ में लगा ऐसा लगेगा वाह यार मैं कितना सीख रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले कुछ दिनों में यूल फाइंड यूर सर सुप्रियर आपको लगा यार मैं बिजनेस समझने लगा हूं सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप बिजनेस को बेहतर समझ पाओगे ये सब्जेक्ट बोरिंग नहीं है बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपको मजा आएगा मैं एक कॉन्सेप्ट के साथ शुरुआत करता तो हूँ आपको तभी समझ जाएगा अच्छा यो वाह मजा आने वाला सब्जेक्ट है ओके एवरी वन लेट स्टार्ट दोस्तों आप शुरुआत करते हैं कोई भी टॉपिक से शुरुआत करता हूं आज का फर्स्ट डे है चैप्टर फोर से शुरुआत करते हैं हमारे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है जिसका नाम है आज शुरुआत करते हैं इस चैप्टर फोर में कोई भी हर कोई कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है एवरी कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट हर कोई कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है ओके okay? सिलेबस है ही छोटा सा तो हर कॉन्सेप्ट को एग्जामिनेशन पूछने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ओके okay? तो बताएंगे दोस्तों एनसॉफ्ट की बात करते हैं एवरीबडी लेट स्टार्ट नाउ सर पेपर पैटर्न कैसे होता है बेटा पंद्रह मार्क का एम होता है पैंतीस मार्क का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है और पैतीस मार्क में भी आपको कैसे क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कभी एक के स्टडी के फॉर्मेट में पूछेंगे तो इसलिए जो मैंने क्वेश्चन बैंक बनाई है उसमें सारे के सारे क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन बैंक आपको बना के दिए देखो ये सारी मेरी किताबें मैं आपको बता रहा हूँ ये सब भी देखो एक किताब है सर कितनी किताबें मिलेगी हमको ये सारी किताबें आपको मिलेगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये इतना किताब का सेट आपको मिलता है जब आप एफ एम एस एम में आते हैं। सर ये सबसे मोटी वाली क्या कर रही हैं ये इतना बड़ा क्या लाया आपने इसमें एफ एम का पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है क्लास में मैंने दो किताबें दी है जहां पे क्वेश्चन है और आंसर को जगह खाली छोड़ी है कोई भी क्वेश्चन आएगा जगह खाली दिख रही है वो हम सॉल्व करते एक एक भरते हैं फिर आप ये पूरी बुक भर जाएगी आपके हाथों से ये दोनों किताबें हम लोग भरते हैं पर कभी कभी आप एब्सेंट रह गए कभी आपको ये चीज रिचे करना है कभी आपकी हंडरेडी आपको खुद को समझ में नहीं आ रही है आप उस समय एबसेंट थे या फिर आपको लग रहा है यार आप बहुत आगे चल रहे हो मुझसे आपको क्रॉस वेरीफाई करना है इसलिए ये किताब दी है जिसका नाम रखा है रफ्तार और इसमें इनके सारे क्वेश्चन के साथ में आंसर नहीं दिए हुए इसके साथ में क्वेश्चन भी दिया हुआ है और आंसर भी दिया हुआ है और ना किसी में आंसर दिए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको अलग से मार्क किया हुआ है कि एग्जामिनेशन से पहले इन पचास में से दस ही सॉल्व कर लेना ये एक इंडिया की सबसे पहले एक हैंड रिटन बुक बनी है जो हैंडराइटिंग फॉर्मेट में है मैं आपको दिखाना चाहूंगा सर हैंड रिटन फॉर्मेट मतलब क्या ऐसा लिखेंगे आपको ये हैंड रिटन फॉर्मेट है स्क्रीन पे देखना आपको मैं दिखा रहा हूं आपको मजा आ जाएगा देखिए आपको लगेगा वाह सर ये तो ऐसा लग है हमारे जैसे स्टूडेंट ने लिखा है ये देख लीजिए सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर सर ये क्या किया आपने हाईलाइट हाईलाइट हर कोई क्वेश्चन में हर कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हुई तो रिविजन करते समय सब पढ़ने की जरूरत नहीं जो हाईलाइट किया उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है सर ये स्टार क्वेश्चन क्या है इस क्वेश्चन इस चैप्टर में मैंने पचास क्वेश्चन सोल्व किए पर मेरे हिसाब से अगर ये दस कर लोगे ना आप तो मैक्सिमम सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा क्लास करते क्लास में पूरा पचास सॉल्व करेंगे पर आपको मैं करा के दूंगा ये सारी चीजें हाँ बच्चों ये तो जब आप एग्जामिनेशन पहले दिन रिवाइज करोगे इतना पढ़ लेगा कैसी हैंडराइटिंग लग रही है या आपके जैसी हैंडराइटिंग है राइट ये पूरी तरह से ऐसा हैंडराइटिंग और ये किसी बच्चे ने सॉल्व किया है ये मेरे क्लास के स्टूडेंट ने सॉल्व किया है और मैंने उसी प्रिंट करवा लिया क्योंकि मैंने उसको देवंश से बोला था तुम तो आईपैड पे सॉल्व करोगे ये क्लास में सॉल्यूशन किया हमने और पूरा के पूरा बुक भरा हुआ है यानी किसी बच्चे की हैंडराइटिंग खराब हो गई तो हमें डरने की बात नहीं वो एक दिन बीमार है किसी वजह से नहीं आया तो उसको डरने सब कुछ आपको इस बुक में सोल्व किया मिलेगा ये उसी का ही हार्ड कॉपी है ये सब कुछ आपको मिलेगा ये सारी चीजें की है ताकि मैं आपके सिलेबस को बहुत ही अच्छे से आ, डिजाइन किया हुआ है ये सब देखो इस तरह से पूरा के पूरा सोल्व किया हुआ है पूरा सोल्व और पता है हर कोई क्वेश्चन के नीचे दिया होता है पॉइंट टू बी नोटेड कि इस क्वेश्चन में क्या चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप जब रिवीजन करो तो आपका ध्यान इन जगहों पे जाना चाहिए समझ आ रहा है तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन में क्या इंपोर्टेंट देखो यहां पर क्या इंपोर्टेंट इस लिख दिया पॉइंट टू बी नोटेड यहां पे ये है वो लिख दिया है। इस तरह से सारी किताब आपको मिलेगी ओके एनीवेज नाउ इट्स टाइम टू टीच समथिंग गुड न्यू ओके लेट्स स्टार्ट नाउ ओके एवरी वन लेट स्टार्ट देखते दोस्तों आज शुरुआत करने जा रहे हैं एसएम का नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है एनसॉफ क्या बोलेंगे <laughs> जब भी किसी इंसान को अपने धंधों को एक्सपेंड करना होगा उसके पास में दो तरीके होते हैं कितने तरीके होते है? एक तो वह नया प्रोडक्ट में आएगा या फिर नए मार्केट में आएगा क्या बोला एक तो वह नया प्रोडक्ट ला सकता है या फिर वो नए मार्केट में आ सकता है अगर उसको ग्रो करना है उसको लगता है मेरे बहुत आगे जाना चाहिए मेरा धंधा बहुत बढ़ना चाहिए सोचा तो दो ऑप्शन होंगे एक तो नया प्रोडक्ट लाए या फिर नए मार्केट में जाए यानी कि मतलब क्या है अगर एसपीसी को ग्रो करना है ऑप्शन एक एफ एम एस एम की क्लास को मैं जो मैं पूना में पढ़ा रहा हूं मैं पूरे भारत में पढ़ा हूं तो क्या किया प्रोडक्ट सेम है मार्केट नया है अच्छा ये सही है दूसरा पॉइंट कभी कभी मैं अपने धंधे की ग्रोथ मार्केट से नहीं करता हूं प्रोडक्ट से करता हूं यानी मैं क्या करता हूं अच्छा मैं एफ एम एस एम पढ़ा रहा हूं एक काम करता हूं मैं लॉ भी पढ़ा देता हूं पूना में ही की ओर में जगह नहीं छोड़ी मार्केट सेम है बोलो भैया ठीक इसी तरह से आप सभी जानते हो दोस्तों आईफोन जो बनता कैलिफोर्निया में है दोस्तों कैलिफोर्निया में एप्पल का हेडक्वार्टर है वहां की कंपनी क्या करती है वही आईफोन वही आईफोन 15 इंडिया में आ, पूरे वर्ल्ड में बेचती है कैसे कैसे ग्रो कर रही है नया फोन नहीं ला रही है वही फोन जो उधर बेच रही है वही पूरे वर्ल्ड में बेच हुए यानी कि एक्सपेंशन करने के लिए उन्होंने क्या तरीका चुना न्यू मार्केट क्या सुना न्यू मार्केट वॉलमार्ट कहां का इंडिया का है क्या नहीं नहीं उधर का है वॉलमार्ट इंडिया में आया क्या कर रहे हैं सेम प्रोडक्ट मार्केट नया आपके आसपास भी और आपके बॉडी पर भी कई ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो आपके नहीं इंडिया के नहीं फिरंगी होंगे अपने को चेक करिएगा आपके जो बैग है जो फोन है कुछ तभी ऐसी चीज है जो इंडिया की नहीं है आपके फोन मोस्टली इंडिया के नहीं होंगे मैं आप भी बोल रहा हूं बिकॉज इंडिया का एक भी फोन का ब्रांड फेमस नहीं आपके जो सैमसंग है जो वीवो है जो ओप्पो है जो वन प्लस है कोई है कैसे फोन क्या है ये फोन इंडिया के इन लोगों ने अपना धंधा बढ़ाया मार्केट डेवलप करके इंडिया में आए मार्केट डेवलप हुआ आप जैसे लोग उनके कस्टमर बन गए कैसे धंधा बढ़ाया मार्केट डेवलप करके एवरीबडी गॉट इट पर कुछ लोग हा मार्केट भी डेवलप करते हैं तो कुछ लोग मार्केट के साथ में प्रोडक्ट भी डेवलप करते हैं दोस्तों नाम लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का अब लोग कितने लोग नहा कर आए बेटा आप नहाए नहीं आज हाँ नहाए नहीं <laughs> <थीक>। <laughs> वैसे कितने लोग इन जनरल नहा लेते कितने लोग इन जनरल नहाते अपने लोग लो लो नहीं कम से कम बाजू अलग ले नहा लेकर मित्रों जितने भी लोग नहाते हैं आप पता है नहाने के लिए क्या लगता है ए पानी लगता है पानी तो मुझे पता है पानी लगता है नहाने के लिए मित्रों आपको लगती है सोप साबुन पहले इन्होंने लॉन्च की थी लाइफ बॉय धोते रहो धोते रहो पता है पहले इन्होंने लोगों को लाइफ बॉय दिया फिर लगा कुछ लोग लाइफ बॉय से पसंद नहीं बोले जाना मत इधर लक्ष्य ले लो इससे मजा नहीं आ रोक बोले मैं और महंगा चाहता हूं इसको डव दे दो ए बोले सर में मजा इसको पियर्स दे दो यानी कि दोस्तों मार्केट इनका इंडिया ही है पर इन्होंने अपने धंधे को बढ़ाने के वास्ते कभी लक्स दिया तो कभी लाइबो कभी डव दिया तो कभी दिया हमाम कभी दिया हाय एक ही कंपनी हा कभी किसी से तो कभी किसी लोग को आकर्षित करते हैं अपनी ओर वैसे ही बहुत गाड़ियां जो आजकल लॉन्च होती है मारुति मारुति के पास में तो मैं बोलता हूं गाड़ियों का हा पोर्टफोलियो है कहीं ना मत जाना जाना क्योंकि तुम्हें मेरे पास ही है आना तीन लाख से लेकर लाख रुपए तक की जो गाड़ी चाहिए हाँ ये पसंद नहीं आ रही ऑल्टो कोई बात नहीं रहा हूं वैगनर देख लो बोले वैगनर में ए, इसको लो में इसको इसको बाजू में वो दे दो स्विफ्ट स्विफ्ट दे दो बोले स्विफ्ट में मजा नहीं आ रहा इसको सियाज दे दो यार सियाज में मजा नहीं आ रहा इसको ब्रीजा दे दो बेटा इसको ब्रीजा दिखाओ बोले सर उसमें उतना इसको आर्टिका दिखाओ यार इतनी गाड़ियों की रेंज आ गई है जिन गाड़ियों को आप सिग्नल पे आप रास्ते पर देखते हो वो आपके लिए गाड़ी किसी के लिए स्ट्रेटेजी है किसी के लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट है लोग देखो कैसे एक गाड़ी बना के संतुष्टि नहीं मिली इनको अलग गाड़ियां इसमें आ जाओ उसमें आ जाओ इस गाड़ी से कुछ नहीं कोई बात नहीं ए टाटा का नाम मत लेना महिंद्रा का नाम मत लेना टोयोटा के बारे में बोलना नहीं तुम मेरे पास आया ना जाना नहीं बोले सर आपकी ऑल्टो में मजा नहीं अरे रुक जा मजा दिला तो को मजे दिलाता देख मेरे पास क्या क्या है क्या कर रहे हैं लोग अरे बोलो क्या कर रहे हैं कुछ लोग प्रोडक्ट नए नए ला लाके लाला के लाला ला 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 और कस्टमर को आकर्षित करके अपने सेल को बढ़ा रहे हैं कोई ऑल्टो से खुश हो रहे हैं तो कोई इग्निस से तो कोई ब्रिजा से तो कोई सियास से हर एक कस्टमर की अपनी जो आपको पसंद है किसी और को पसंद नहीं होगी उसका इंटरेस्ट किसी और में होगा तो सबकी इंटरेस्ट के हिसाब से हमने क्या बना दिए और क्या बनाए प्रोडक्ट इसको बोलते हैं प्रोडक्ट नए नए लाला के प्रोडक्ट डेवलपमेंट से आपने क्या किया अरे बोलो प्रोडक्ट डेवलपमेंट से क्या किया आपने मार्केट को बढ़ाया है मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं <laughs> दिखा रहा हूं बहुत आगे जाएंगे आप लोग सब्जेक्ट जब पढ़ोगे ना यू यू लव इट बिकॉज ऐसा अच्छा वाह ये तो ऐसी बातें कर रहे ऐसा लग रहा है नहीं कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं वो तो ऐसा ओ आई एम गेटिंग नॉलेज बिकॉज यहां पे देखो अगर मैं बात करता हूं मारुति कार्स मारुति कार्स देखो तो जरा मारुति की कार्स कौन सी कौन सी इंडिया में अरे वाह ये कौन सी है रे बच्चो ये कौन सी है ये कौन सी है ऑल्टो अर्तिका वैगना सर और भी कितने एस्प्रेसो, अरे कितनी गाड़ी है इनके पास इग्निस सेवन सीटर इको सुनी होगी इको वो आता है ना गुंडे लेके जाते हैं उसमें ऐसा खोला के डाला अंदर भागा वो मारुति का स्पेशल क्या था पहले से उसका नाम पहले उमनी था इको नाम रखा इसमें मस्त वो वो दिखा ना गुंडे वगैरह दिखाते टीवी में ऐसा खोला इधर से उधर से डाला अंदर तो ये देखो हर एक कस्टमर की चॉइस अलग होती है किसको इसमें मजा आता होगा अभी आजकल एक आई नई गाड़ी जिमनी हां कैसा सब बच्चे के, के चेहरे देखो कैसे खुशी आ रही है है डिजायर कभी जेन थी कभी ब्रिजा थी कितनी गाड़िया है वे क्या कर रहे हैं इन्होंने लोगों को अट्रैक्ट ऐसी ऐसी गाड़ियां लाई लोग बोले हमको थोड़ा सा ऐसा चाहिए उन्होंने वो गाड़ी लेकर आ गई ऐसा चाहिए सोचो इतनी गाड़ियां क्यों ला रहे हैं ताकि लोगों को यह पसंद नहीं तो कोई और पसंद होगी वो नहीं तो कोई और सही और नहीं तो कोई और सही इधर देखो बच्चों इसको कहते हैं ध्यान से सुनना है क्या नाम है इसका अरे बच्चों इसका नाम क्या है मैं आपको इधर एनसॉफ्ट ले जाता हूं ध्यान से सुनना आज हम लोग एसएम का यानी कि सीए इंटरमीडिएट एस एम का एक कॉन्सेप्ट आपको एक जलवा देख रहे हैं हम लोग ऐसा सोचो हर कॉन्सेप्ट में बहुत नॉलेज मिलेगा एनसॉफ्ट मैट्रिक्स कहते हैं इसको सर ये क्यों सिखा रहे आप बिकॉज बच्चों लोगों को लगता है धंधा बढ़ना चाहिए बढ़ना चाहिए पर समझ ही नहीं आता धंधा बढ़ाए कैसे क्या करने से धंधा बढ़ता है इन चारों में से एक को अपना लेना धंधा बढ़ जाता है पर कुछ लोग आशिक दीवाने होते हैं वो एक नहीं दो नहीं चारों के चारों को धंधे में लगा देते हैं पहले चारों कॉन्सेप्ट में बताता हूं सर ऐसा भी होता है एक कंपनी ये चारों इधर और नहीं है ये चारों के चारों साथ में ठोक सकते हैं कंपनी में जरूरी नहीं कि आप चारों में से एक ही लगाए हा अब देखते हैं स्टार्ट करते ओके वेलकम बैक आर आर यू यू रेडी रेडी इस क्लास में कोई थकेला जैसा दिखाना मां कसम ठोक देंगे मुस्कुराते रहो बिकॉज जिंदगी ना मिले और पढ़ाई को हेट करने से पढ़ाई कम नहीं हो जाती पढ़ाई में उत्साह लाई अंदर से पढ़ाई से जितनी मोहब्बत करोगे वो भी आपसे करेगी पढ़ाई को पढ़ाई जैसा मत देखिए एक उत्साह है ये महोत्सव चल रहा है हर कोई टीचर आ रहा है ये आ रहा है कभी वो आ रहे हैं आपको अलग ज्ञान दे रहे इसको जियो यारो और लाइफ में कितने महीने करना है पांच छह महीने उसकी बात तो ऑल योर्स कम ऑन एवरीबडी हाँ आपको दिख रहा होगा यहां पे देखो अरे ये क्या लिख दिया एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट यानी कि प्रोडक्ट भी सेम मार्केट भी सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट तोड़ा चेंज करके तोड़ा तोड़ा माइनर मोटा चेंज नहीं एकदम थोड़ा चेंज करके आपने लोगों को अट्रैक्ट किया प्रोडक्ट सेम मार्केट भी सेम ही है पर थोड़ा चेंज करके आपने उनको अट्रैक्ट किया जो आपके नहीं थे सर ऐसा कैसा हो सकता है सर आपने पहले बोला लाइफ बॉय के बाद में लक्स आई थोड़ा लगा कि हाँ चलो भाई कुछ लाइफ बॉय को नहीं पसंद करे तो लक्स लक्ष्य कैसे आ रहे होंगे लक्स नहीं बन तो पियर कैसे आ रहे होंगे ये कैसा सेम प्रोडक्ट सेम तोड़ा तोड़ा करके कैसे होगा मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं आप सभी लोग भाई और बहना आप लोग लेस खाते होंगे चिप्स तो खाया होगा लेस जानो कोई तो चिप्स खाया होगा सोचो कंपनी ने पहले सॉल्टेड लाया सॉल्टेड अच्छा कुछ लोग बोले सॉल्टेड मैं आई डोंट लाइक सॉल्टेड आई लाइक समथिंग डिफरेंट आई लाइक चिली आग लगना नचे मेरे बोर्ड तो कंपनी ने सेम ही चिप्स रखे जो लड़के सब जानते होंगे चिप्स का जो है ना आलू और जो मेकिंग है 99 सेम होती, झनकार से से से। तो आ गया टोमेटो फ्लेवर बनाते सेम प्रोडक्ट चिप्स का मेकिंग नाइन्टीन परसेंट बाद में आखिरी में जो ऊपर के जो करे ना सेम प्रोडक्ट सेम थोड़ा चेंज करके आपने उनको अट्रैक्ट जो पहले सॉल्टेड लेना नहीं चाह रहे थे कुछ लोग टोमेटो ले लेंगे कुछ लोग टोमेटो से खुश नहीं हो रहे थे है? हाँ वो चिली से मजे उठाएंगे उसमें आप आजकल बहुत सारे आते हैं क्या 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 क्या, -क्या, 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 -क्या नजान है आ, आ, क्या बोले? गार्लिक। मसाला।, मसाला गार्लिक देखो देखो इनको ऐसा लग रहा कब जाए कब खाए अभी अभी देखो और कोई खाते आप लोग भी खाते इधर बेटा पेरी पेरी ज्यादा नाम मतलब और भूख बढ़ जाएगी मतलब सेम प्रोडक्ट है सेम ही इंडिया में मतलब लेस सेम प्रोडक्ट लेस पता है किसका है? पेप्सिको बेटा बहुत आगे जाएगा तुझे कैसे पता हे है जो चिप्स खाते हो सिर्फ खाते है, कुछ पढ़ते ही नहीं पर आप जैसे लोग बहुत आगे जाएंगे इसको पता है वो बनता पेप्सिको का कुर्र ये भी पेप्सिको का है मित्रों एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा सोचो रक्षाबंधन चल रही है आप अपने सिस्टर के पास गए बाजार में आप जानते हो कैडबरी का डेयरी मिल्क आता है अब ये मत बोलो कैडबरी नहीं पता कोई बताया कैडबरी के दो तीन प्रोडक्ट का नाम देखते कौन जवाब देगा सिर्फ चॉकलेट खाते हो कभी बताओ कैडबरी ब्रांड के दो तीन चॉकलेट का नाम कौन बोला फाइव स्टार कौन बोला फाइव स्टार किटकैट कौन बोला रहे हवला like है क्या किटकैट नेस्ट लेकर बाबू हाँ जेम्स है डेरी मिल्क के फाइव बिल्कुल सही पकड़े क्या बोला है मतलब लड़किया चॉकलेट खाती है सोचो आप आपका भाई आपसे राखी बनवा रहा है उसने छुट्टे छुट्टे आपको एक दो चार फाइव स्टार दे दिए और एक दो कैडबरी दे दी डेयरी मिल्क वाली अब कैसा भाई यार मेरा रक्षाबंधन के दिन है ऐसा क्या लेके ये ले 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 बेटा एक ले ले, एक जेम्स फाइव स्टार ले ले। तो कोई ब्रदर भी ऐसा चुन चुन के बोलेंगे साल में एक बार त्यौहार आता है तो क्या दे रहा हूं मैं दीदी को कुछ अच्छा दूध को भी तो कोई प्रेजेंटेबल लगे इसीलिए कंपनी ने एक काम कर लिया एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया जिसका नाम रखा कैडबरी सेलिब्रेशन जिसके अंदर घुसने के बाद में सब वही है फाइव स्टार है जेम्स है सर वो तो पहले भी मिल रही थी अरे भाई थोड़ा सा इज्जत भी होती है आप ऐसा ले ले दीदी ले ले ऐसा नहीं लगना भी चाहिए दीदी को फील होना चाहिए कुछ तो भैया ने दिया है तो पैकेट को सजा होना चाहिए उसके अंदर अलग ही फाइव स्टार है जेम्स है हा? उसके अंदर डेरी मिल्क है पर वो कैसी है थोड़ा चेंज करके सेम प्रोडक्ट कैडबरी सेम सेम ही है सेम मार्केट इंडिया में ही बेच रहे हैं थोड़ा पैकेट चेंज कर दिया उसके से आप वो लोग भी अट्रैक्ट हो गए जो त्योहारों में लेना चाहते हैं पहले त्योहारों में अब तो देखो रक्षाबंधन और दिवाली लोग उसको गिफ्ट के तौर पर यूज करते हैं कभी कोई चिंटी से पहली बार मिलना दे दिए <laughs> इंप्रेशन की भी बात होती है एक डेरी ले जाएगा कितना हल्कट है इंप्रेस करना होगा कंपनी ने समझा सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट तो चेंज करके उसको अट्रैक्ट कर जो हमारे पहले नहीं थे हा एक बार पता मेरे भाई का शॉप है एडिबल ऑयल बनाता है खाने का तेल पांच लीटर की क्या नहीं बिकता था जैसा जेमिनी ऑयल जैसा सनड्रॉप पांच लीटर की बोले धंधा नहीं बढ़ रहा मैंने कहा नॉन इसने बोलता मेरी क्लास करो बोले अब मैं क्या नया प्रोडक्ट नया ना, 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 ना प्रोडक्ट नहीं सेम ही तेल बिकेगा उसका महाराष्ट्र मार्केट है महाराष्ट्र में ही बिकेगा तेल ही बिकेगा बोले अब क्या करूं मैं धंधा कैसे बढ़ेगा तो मैं करी रहा हूं तेल बेच रहा हूं महाराष्ट्र थोड़ा चेंज कर ले बोले अब क्या फ्लेवर मिलाओ तेल में सॉल्टेड एडिबल ऑयल ऐसा तो नहीं होगा <laughs> सर थोड़ा क्या करे पांच लीटर को एक लीटर बना दो आधा लीटर भी बना दो कोई बच्चा बताएगा इससे फायदा हो गया बहुत सही बहुत सही बहुत आगे जाएंगे क्या नाम है मुझे आपका जय श्री कहां से जयश्री फ्रॉम इंदौर सर, इससे वो लोग भी अफोर्ड कर पाएंगे जो हमारे पहले हो सकता था कोई गरीब लोग पांच लीटर की कैन लेना अफोर्ड नहीं कर सकते थे अब वो एक लीटर या फिर आधा लीटर क्या करा सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट क्या कर रहा है? क्या है? ये क्या है अरे थोड़ा <laughs> आपसे अगला प्रश्न पूछेंगे देवी और सच आई थिंक मार्केट प्रेजेंटेशन समझ गया आपको सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट है थोड़ा देखो मैं पहले भी ऐसे में पढ़ा रहा था हाँ मैं पहले भी बच्चों को भी पढ़ा रहा था सेम प्रोडक्ट है सेम मार्केट है इंडिया में ही पढ़ा रहा था थोड़ा मैंने रफ्तार लाई तोड़ा चेंज करा क्या करा मैंने नोट्स लाए फिर ये नोट्स लाए क्या किया मैंने मैं इंडिया में ही पढ़ा रहा हूं क्या पढ़ा रहा हूं सेम प्रोडक्ट में पढ़ा रहा हूं पहले इन दोनों के बगैर पढ़ा रहा था अब इन दोनों के साथ पढ़ा रहा हूं तो चेंज करके मैंने उन लोगों को भी अट्रैक्ट किया जो मेरे नहीं थे अरे बोलो ना यार पहले मैं विदाउट एग्जाम्पल पढ़ा रहा था अब मैं उसी को ही अब बच्चों को ज्यादा समझ आ रहा है सेम प्रोडक्ट एफ एम एस से, सेम मार्केट इंडिया थोड़ा चेंज कर दिया एग्जाम्पल और किताब में पूरा मार्केट अपना क्या हुआ ये पेनिट्रेशन okay. बहुत ईजी है ये अब देखते प्रोडक्ट डेवलप इसकी भाषा समझो क्या है प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइव स्ट्रीमिंग वालों बहुत सही बहुत सही जवाब दे रहे सोनी यादव वैष्णवी वेरी गुड प्रज्ञा कुलकर्णी वेरी गुड वेरी नाइस आप बताएंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है मार्केट सेम होगा उसी मार्केट में प्रोडक्ट देखो स्क्रीन पे प्रोडक्ट नया होगा मार्केट सेम प्रोडक्ट नया एग्जांपल एचयूएल की नई सोप ये देख लीजिए आपके सामने मैं दिखाने जा रहा हूं एचयूएल की न्यू सोप्स एचयूएल सोप्स अरे इतनी सोप अरे 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 क्या ही है वादा ना एक आ, विराट कोहली की लक्स वाले बड़ा बहुत बोर करता है में क्या है एक गाना भी है ये चेहरा याद है आपको फिर उधर से वो आती है उसकी चिंटी क्या नाम उसका अनुष्का ये मत कहो वो कहो एंड दे लॉन्च लक्स मेरे इसका राज क्या थे? त्वचा का राज कुछ तो ओके नहीं गाइस आप सभी जानते हैं आपने देखा होगा लाइव बॉय धोते रहो धोते रहो तेरा साबुन स्लो है क्या कैसा ऐड चलाते हैं लोग इतना एड बॉम्बार्डिंग करते नया नया प्रोडक्ट लाते मार्केट उनको पता है इंडिया ही है उसी मार्केट में लाइफ बॉय से शुरुआत की फिर लक्स लेकर आए फिर ड फिर फिर देखो कैसा रेंज लेकर आए क्या करते हैं इसको कि ये पेनेट्रेशन सर एक बच्चा बोला सर लाइफ बॉय के, के बाद में लक्स लाए तो पेनेट्रेशन क्यों नहीं मैंने कहा अच्छा आपसे मेरा सवाल है बताओ सॉल्टेड फ्लेवर का टोमेटो हो गया तो बोले पेनिट्रेशन है फिर लक्स का लाइफ बॉय होता तो पेनिट्रेशन क्यों नहीं? तो नहीं।, नहीं 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 थोड़ा सा चेंज करने के बाद लाइफ बॉय बन जाता नहीं। नहीं।, नहीं, नहीं नहीं बेटा ऐसे तो नहीं होता है लक्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया ना ऐसा इधर से मारा इधर से मारा तो लाइफ बॉय बन गया अरे प्राइसिंग का तो नहीं वो प्रोडक्ट ही चेंज है पूरा मतलब उसका वो थेरेपी उसका जो बनाने का मेकिंग है वो कुछ अलग ही चीजों से बनता है ये अलग ही ऐसा नहीं थोड़ा चेंज करके बन गया ऐसे थोड़े लक्स को थोड़ा चेंज कर दो लगे डव बाहर निकलता ऐसा नहीं होता कुछ वो लक्स अलग चीजों से बनता है डव अलग चीजों से बनता है वो चीजें पूरी मेकिंग ही अलग है पूरी पर एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा सौ ग्राम की लक्स थी अब पचास ग्राम की लक्स आई हाँ ये थोड़ा चेंज प्रोडक्ट तो सेम ही है थोड़ा पर लक्स और लाइब सर इतने अच्छा बताओ क्या सच में

एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं आईफोन है किसके पास एनीबडी यूजिंग आईफोन बेटा आपके से कौन सा वाला फोर्टीन देखने मिल सकता है ध्यान से देखिए दोस्तों ये फोन है आपके पास एवरीवन वन कम कॉन्सलट्रेंट ये एक फोन है आप सर हम जानते हैं पहले क्या करते हैं इस ये कौन सा बेटा फोर्टीन के अंदर का प्रो और इसका के का कुछ आता है ये? प्रो मैक्स सही पकड़े ये प्रो प्रो है इन्होंने प्रो। और प्रो मैक्स में क्या क्या होता है पहले लाते प्रो फिर उसका मैक्स थोड़ा सा इसका स्क्रीन बिकम्स लार्जर आई थिंक स्क्रीन के अलावा एक आधा फीचर को चेंज होता बाकी तो कुछ खास चेंज नहीं है हाँ बस बाकी फोन वैसा ही है फीचर्स सेम ही है थोड़ा चेंज करके इसको लार्ज बना के एक नया फोन पेल दिया लोगों को प्रो मैक्स और 25000 ज्यादा ऐट लिए लोगों से iPhone 15 Pro और Pro Max 25000 का फर्क है क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा स्क्रीन तोड़ा, थोड़ा चेंज करके लोगों का 25000 के लिए लूटा, <laughs> क्या-क्या बिजनेस बढ़ाया ना भाई मार्केट पेनिट्रेशन है डेवलपमेंट <laughs> क्यों हां <laughs> थोड़ा भैया प्रो और प्रो मैक्स में क्या है कुछ नहीं है अंदर सब एक ही है ये तो आपको आपसे पैसे लेने के लिए और जो खास करके जो अमीरों से लेने के लिए कुछ तो तरीका चाहिए ना अबे ऐसे ही बोलेंगे दे दे पच्चीस सौ तो क्यों लोग देंगे थोड़ा स्क्रीन बढ़ा दो थोड़ा बता दो इसका कैमरा ऐसा ऐसा चलता थोड़ा, थोड़ा थोड़ा चेंज कर दो बाकी बेसिक तो मैकेनिज्म सेम ही, ही है ओके एवरी वन कॉन्सेंट्रेट ना सही बोल रहे सही बोल रहे पेनिट्रेशन सर डरा देते हो आप बीच बीच में से आई एम सो सॉरी मैं हाथ जोड़ के आपको माफी चाहता हूं किसी को भी मेरी आवाज से किसी के भावना और दिल को ठेस पहुंचती होगी पर मैं क्या करूं मैं बेबस हूं बिकॉज मैं आपको सुलाने नहीं जगाने आया डांस से देखी <laughs> <laughs> okay, <guys. laughs> <हो> दे ना <laughs> कोई आता नहीं औलाद में आता रात में देखा तुम तो। वो कोई आता ना सनसनी सुनाता है चैन से सोना है तो जाग जाइए इस तरह ओके तो मेरे को क्या होता है ये है ना अगर मैं सीखूंगा ऐसा तो आप, आप, आपको मैं पंद्रह मिनट में लेटा सकता हूं पंद्रह मिनट में सबको सुला सकता हूं इतना बोर कर सकता हूं मैं पर ऐसे आपको बोरिंग नहीं आपको लगना चाहिए यार टाइम कट गया ऐसे स्लो इसमें जाऊंगा आप बोलेंगे बहुत बोर हो रहा है खत्म करो ना भाई आपने ये तो करने हम लोग यहाँ पे अरे शो खमोन राइट तो बताएंगे दोस्तों मार्केट डेवलपमेंट का मतलब क्या बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है सेम प्रोडक्ट है और उसी प्रोडक्ट को आपने मार्केट में ये बहुत अच्छा होता है यही तो करती ही दुनिया एक प्रोडक्ट को अपने देश में फेमस करती है फिर उसको विदेश में बेचती है एप्पल फोन्स क्या करा इंडिया में लाया मार्केट डेवलप किया एक बार तो एक कंट्री में गया था मैं मॉरिशियस इतना खुश हुआ इतना खुश हुआ मैं बहुत खुश हुआ पूछो क्यों वहां पे जाके मैंने टाटा इंडिगो देखा दिल को सुकून मिला क्यों भारत की टाटा इंडिगो प्रदेश में मिल रही है इसका मतलब क्या सेम अंदर बैठ के देखा सेम ही थी क्या हुआ मार्केट डेवलप किया एक बार तो मैं इतना तो खुश हुआ मैंने हल्दीराम को रशिया में देखा सर आप रशिया में गए थे <laughs> गए तो ऐसी शौक से इतना सुन के एक बार तो मैं दुबई गया मेरा सर दुखने लगा मैं मॉल में गया वहां पे मैंने वहां पे देखा झंडू बाम एक बाम तीन काम इतना मजा आया उसको देख के उसको देख के दर्द लगाने से पहले कम हो गया सोचा चलो बाहर वाले फिरंगी हमारी बाजार नहीं हम भी उनकी बाजार है यानी कि मार्केट डेवलप होता है यहां पे एक अपना प्रोडक्ट जब हम लोग अपने एरिया को छोड़ के नए एरिया में ले जाते हैं उसको मार्केट डेवलपमेंट कहते हैं दोस्तों आपने कहीं ब्रांड देखोगे नाइकी मैकडी के एफ सी बीएमडब्ल्यू ऑडी डी फरारी रोल्स रॉयस हाँ लेम्बोरगिन वो सब आपने देखे होंगे कहा है भाई ये इंडिया के है क्या ंग लॉर्ड ऑफ बिजनेस इन इंडिया इसको क्या बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट क्या बोलते उसको मार्केट जाम्बोरगिरी वो ही चे वो लैंबोरगिरी जो उनके देश में बिक रही थी अब हमारे क्या किया उन्होंने मार्केट डेवलपमेंट एम सी एवरीबॉडी कमान अरे बोलो यार मित्रों मर्सिडीज ऑडी जितनी भी कंपनी के एफ सी क्या कर रहे उधर का सेम प्रोडक्ट लेकर आते इंडिया में चेप देते हैं वही ऑडिक क्यू थ्री उधर बिकती इधर बिकती है ऑडिक क्यू सेवन उधर बिकती इधर बिकती कुछ चेंज नहीं करते सेम प्रोडक्ट मार्केट नया सर क्यों करते बड़ा ऐसा अरे फरगेट अबाउट इट मैं आपको एक चीज दिखाता मर्सिडीज मैन्युफैक्चरिंग पुणे देखो क्या कर रहे हैं ये उनका सेम प्रोडक्ट कहां बना रहे हैं हाँ? सेम मैकेनिज्म है सेम सब कुछ है क्या कर रहे भाई इधर आके देखो पूना में हुआ ये सर पूना में आ, क्या कर रहे है, है? तो ये तो कहां पे ये प्रोडक्ट है उधर का माइंडसेट है बोला टेक्नोलॉजी उधर का है तो इनको लगा कि इंडिया की आबादी बहुत ज्यादा है एक काम करते इंडिया को लूटते हैं तो इसने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल दिया इधर इंडिया में समझ गया सेम प्रोडक्ट है और मार्केट इंडिया की कार्स अगर कोई इंडिया वाला महिंद्रा टाटा ऐसी अगर इंडिया के बाहर बजाज ये सारी गाड़ियां जब इंडिया के बाहर बिकती तो हम उनको भी कहेंगे मार्केट डेवलपमेंट एक काम में पूछता हूं मेरे पास मैं पहले अपनी क्लासेस को केवल पूना में ले रहा था अब मैं इन क्लासेस को दिल्ली में भी ले रहा हूं तो क्या मार्केट डेवलपमेंट कहा जाएगा यस और नो सर बच्चा बोल रहा है सर सिर्फ दूसरे कंट्री में जाना मार्केट डेवलपमेंट नहीं था अपने प्रदेश को छोड़कर अपनी जगह को छोड़कर जब नए जगह नया जगह इट कुड भी नया कंट्री इट कुड भी न्यू स्टेट इट कुड न्यू विलेज पुणे शहर के अंदर देवी मेरा टाइम हो गया पुणे शहर के अंदर ऐसे बहुत सारी जगह है जिनके एक ही ब्रांड बहुत सारी जगह पे बिकते हैं मोनजनी केक हर इलाके में दिखेगा विजय सेल्स हर इलाके में दिखेगा पीवीआर थिएटर हर मॉल में दिखेगा सर इससे फायदा होता है आप बताओ पीवीआर ने हर मॉल में अपना थिएटर डाला उसका फायदा हो रहा है कै? नहीं बताओ क्यों क्यों अगर क्यों नहीं, एक जगह पर तो क्या होगा मतलब अभी कोई अभी यहां पर एस बी रोड पे पीवीआर है और कोई हड़पसर रह रहा क्या तो क्या थिएटर के लिए इतने दूर आएगा क्या तो इसलिए अगर आप पी ने उधर भी खोल के रखा है सीजन मॉल में ताकि उधर के लोग ये तो आप जानते हैं मार्केट डेवलपमेंट बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट नाम हो गया। आपको समझा मैं क्या बोल रहा हूं अरे टाइम कहा गया पता नहीं चला क्लासिक क्लास का टाइम खत्म हो गया लास्ट पॉइंट गाइस। डाइवर्सिफिकेशन। क्या बोला इसमें प्रोडक्ट भी मार्केट भी सर ऐसा कैसे होता है इस क्लास के अंदर आपको एफएम के साथ लॉ पढ़ाए बताओ हो, क्या होगा आपको एफ एम पढ़ा था मार्केट मेरे सेम ही है इन्हीं बच्चों को मैं अब लॉ पढ़ाने लगा क्या बोलो जल्दी से प्रोडक्ट डेवलपमेंट बिकॉज मार्केट तो सेम ही है यानी कि मार्केट यानी कि सेम सेम बायर है सेम जगह है जगह और इन्हीं को मैं नया सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं तो क्या हो रहा? मार्केट सेम तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा अब जो मैं कह रहा हूं जवाब देना मैंने क्या किया मैंने अब एसपीसी एयरलाइंस लॉन्च करी क्यों भाई सर एयरलाइंस तो नया प्रोडक्ट है ना हाँ, प्रोडक्ट तो नया है तो प्रोडक्ट नए के दो ऑप्शन है एक तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी कहलाया जाएगा एक तो डाइवर्सिफिकेशन भी कहलाया जाएगा अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट है या डाइवर्सिफिकेशन डिपेंड्स ऑन की मार्केट सेम है डिफरेंट है आप बताओ तो एसपीसी एयरलाइंस क्या कहलाया जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट तो नया ही है पर क्या मार्केट नया है नया कैसे अगर मैं लॉ लगाता हूं ना लॉ तो सिर्फ सीए के जो स्टूडेंट जो पहले मुझसे एफएम पढ़ते वो पढ़ेंगे पर एयरलाइन सिर्फ सीए के स्टूडेंट नहीं बैठेंगे कोई भी ट्रैवल कर सकता है एनी मतलब मेरी मार्केट चेंज हो जाएगी यानी कि प्रोडक्ट मार्केट यानी कि धंधा क्या हो गया आई वेरी फेमस फॉर कुछ लोग पूछते होंगे पता है क्या कोई दो चार आइटम बता सकते हो आईटीसी के मुझे क्लासिक बेटा बहुत आगे जाएंगे आगे। और क्या बेटा नहीं नहीं सिगरेट के आइटम बताओ मुझे गोल्ड फ्लैग क्लासिक और बताओ ब्रिस्टोल भारत के अंदर दोस्तों आईटीसी का थोड़ा नहीं आईटीसी का सिगारेट का मार्केट शेयर जो है ना 80 परसेंट है आईटीसी सिगारेट ब्रांड्स तो देखते पहले मार्केट शेयर देख लेते पहले मैन्युफैक्चरिंग कहां से आ गया क्या कर रहा हूं मैं ध्यान से देखिए सौ लोग जब भारत में फूकते हैं तो सेवेंटी फाइव परसेंट इनकी फूकते हैं आईटीसी इनका मेन धंधा था नाम में लिखा इंडियन टॉपैको कंपनी इनका मेन धंधा क्या था तो इन्होंने सब लाया फिर पहले ब्रिस्टॉल लाया फिर उन्होंने लाया गोल्ड फ्लेक्स लाया फिर लाए क्लासिक लाया फिर लाए लाइट लाया वो मिंट फ्लेवर लाया ये सब उन्होंने क्या करा प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया पर कितना सिगरेट बेचेंगे भे बोले इतना पैसे कम एम सिगारेट ला ला के भी थक गए तो अब क्या हुआ अब इन्होंने तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट बहुत कर लिए बोले काम करते मार्केट डेवलप करते तो इन्हीं सिगरेट को इन्होंने यूरोप भी बेचा यही ब्रिस्टॉल यही गोल्ड कहा जा रही है अरे बोलो यार तो ये मार्केट डेवलप किया तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इनकी एक सिगरेट नहीं है सिगरेट की दुकान पे जाओ सब इनकी जो होती है तो प्रोडक्ट डेवलप बहुत किए और जिसको जो लगते ना वही लगती भैया आपको कोई पैसा ना सिगरेट पीता वो जो पीता ना उसको दूसरे नहीं, 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 नहीं चाहिए जो आता है ना तलब जो उससे मिटती है तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट मार्केट डेवलपमेंट सब किया है फिर उनको लगा बहुत पैसा क्योंकि कैशविच कम सिगरेट का प्रॉफिट बहुत है एक सिगरेट लगभग बीस पचास रूपए इंडिया में प्रॉफिट बहुत है भाई कैशविच आई टी सी इतना पैसा शायद से किसका बहुत पैसा है मतलब क्या करे यार मार्केट डेवलपमेंट हो गया प्रोडक्ट एक काम करते है होटल बना देते हैं आईटीसी होटल प्रोडक्ट भी नया मार्केट कैसे नया क्योंकि जो लोग सिगारेट पी रहे जरूर नहीं वही होटल में जाए कोई भी जा सकता है अरे हाँ ये तो डाइवर्सिफिकेशन बोले अब और पैसे बच रहे क्या करे तो एक काम करते हैं आई का सनफिश बिस्कुट लेकर आता है डार्क फैंटेसी लेकर आते हैं आशीर्वाद आटा लेके आते हैं बोले पहले सुट्टा बना रहता है एक बात बताओ सुट्टा के बाद में जो आटा है क्या आटा एक नया प्रोडक्ट है टोटली आटा नहीं दे सकते बोले भाई सुट्टा तो नहीं आटा ले ले क्योंकि दोनों प्रोडक्ट अलग है पर एक बात बताओ आटा नया प्रोडक्ट है पर क्या मार्केट भी नया है जरूरी जो सिगरेट पीने वाला ही आटा ले अब समझो एक आंटी आई बोले भैया जी वो आटा देना बोले आंटी सिगरेट दे दो उस सिगार को जला के आपको जलाएगी अंडरस्टैंड करो ऐसा नहीं हो सकता उसकी मार्केट अलग है उसकी आंट, उसकी मार्केट आंटियां है आटा बनाने वाली खाने वाली बनाने वाले, वाले, वाले। इसके हौले लोग जो क्या बोलते हैं जो चर्सी लोग है वो लोग होंगे इसके बायर किसके तो दोनों के बायर अलग है ना तो दोनों की मार्केट अलग है तो आटा एक नया प्रोडक्ट तो है ही पर उसकी मार्केट भी क्या कहेंगे उसको आई होप आपको समझ में आ रहा है इंसान चार तरीकों से आगे बढ़ता है अपने मैंने तो अपने कंपनी में चारों लगाने की सोची है बता दो बच्चों मैंने ऐसी ऐसी किताबें लाई मैं एफ एम एस एम पढ़ाता हूं भारत में ही पढ़ाता हूं पर अलग अलग चीजों को लाकर थोड़ा चेंज करके मैं ज्यादा अट्रैक्ट करता हूं क्या कहेंगे इसको एफ एम एस एम पढ़ा रहा हूं प्रोडक्ट ही सेम है सिर्फ थोड़ा चेंज करके क्या बोला इसको मार्केट पर सोचो मैंने एफ एम एस एम लॉ लॉन्च कर दिया सही पकड़ा मैं एफ एम एस एम पूना में पढ़ाता अब इंडिया में पढ़ा रहा हूं अब मैंने सोचा है आपके लिए बता रहा हूं अब एस लाएगा अपना एक नया प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट जिसका कोई संबंध एजुकेशन से नहीं है मैं ला रहा हूं अपनी एयरलाइंस तो अगर मैं कर सकता तो कोई भी कम नहीं कर सकती है चारों ये चीजें बहुत रूटीन है ये चारों के अलावा संसार का ग्रोथ का रास्ता खुलता ही नहीं है इसके साथ ही तो ग्रोथ होती है अक्सर लोग सोचते हैं मैं ग्रोथ करूंगा ग्रोथ करूंगा पर समझते नहीं कैसे करे तो किसी को भी आज के दिन ज्ञान पेलने को अच्छा है ग्रोथ करने का चारों में से किसको भी अपना फिर तो चारों भी अपना लो समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं बोलो जल्दी से जल्दी अभी लास्ट टू मिनट्स अब लिखेंगे फटाफट जल्दी से लिखेंगे और फिर लेक्चर को खत्म करेंगे जल्दी से लिखो लिखेंगे एनस ऑफ एवरीबडी प्लीज राइट ऑन एंस ऑफ आखिरी दो तीन मिनट फिर बाद में हम लोग लेक्चर खत्म करेंगे हाँ क्या लिखेंगे आप एंड सॉफ्ट और सबसे पहले क्या लिखेंगे मार्केट पेनिट्रेशन बोलो मन से बोलो क्या है सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट माइनर चेंज माइनर चेंज इसको बुक्स हम लोग कल से कल पढ़ के बताऊंगा अभी कंसेप्ट क्लैरिटी कर लेते हैं सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट थोड़ा सा चेंज अच्छे से रजिस्टर बनाए रोज अच्छे से लिखे जो जो मैं पढ़ाऊं थोड़ा सा चेंज एग्जाम्पल दे सकते हैं लेज न्यू फ्लेवर बराबर है लेस का न्यू फ्लेवर लेज का न्यू फ्लेवर बराबर है कैडबरी सेलिब्रेशन कैडबरी सेलिब्रेशन बराबर है वो पहले अलग अलग मिलते थे अब एक बॉक्स में आ गया और एडिबल ऑयल का क्या बोला था मैंने पांच लीटर फिर अब एक लीटर फाइव लीटर टू वन लीटर क्या बोलेंगे इसको ये भी पे होगा जो लोग भी लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहे हैं इस वक्त अगर आप पुणे के आसपास में हैं तो जरूर पुणे में क्लासरूम में बैठे उसका मजा भी आपको कुछ अलग आएगा इफ यू आर सिटिंग हियर नियर बाय आप महाराष्ट्र में हो पुणे के आसपास रहते हो पुणे शहर में हो तो प्रेफर टू तो कम हियर आप आराम से आके बैठ सकते हो जैसे यहां पे लोग आके बैठे यू तो लेंजॉय मोर हाँ अब तो लिखेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या होगा प्रोडक्ट में तो नया प्रोडक्ट होता तो मार्केट से में सेम मार्केट न्यू प्रोडक्ट सेम मार्केट न्यू प्रोडक्ट सेम मार्केट न्यू प्रोडक्ट जो लोग लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं सब लोग अच्छे से लिखे सेम प्रोडक्ट या सेम मार्केट सेम मार्केट न्यू प्रोडक्ट एग्जाम्पल अब याद करो याद करो न्यू सोप ऑफ एचयूएल न्यू सोप ऑफ एचुएल और कोई एग्जाम्पल देना चाहेंगे नहीं नहीं एयरलाइन नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं, नहीं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या आएगा मारुति का एग्जाम्पल दिया था लिखो लॉन्चिंग ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सियाज सियाज समझा है सी आई ए एड सियाज सुना है सियाज इग्निस आई जी एन आई एस इग्निस आफ्टर आफ्टर ऑल्टो आफ्टर आफ्टर ऑल्टो एंड वैगनर सर क्या बोल रहे हैं आप मतलब पहले वैगनर ऑल्टो थी उसके बाद में ये कार लेकर आए तो क्या हुआ प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया चलो आगे बोलो नेक्स्ट अच्छा एक सवाल में उस लेस के साथ में कुरकुरे आए ये मार्केट प्रंटेशन है डेवलपमेंट है मार्केट प्रेंटेशन है प्रोडक्ट डेवलपमेंट है जिन्होंने कुर्कुर कहा वही जवाब देना ये थोड़ा चेंज करके कुरकुरे बन जाते हैं कुरकुरे अलग ही चीज है जो लोग थोड़ा सा घर पे खाना बनाते हैं थोड़ा सा कुछ करके कुरकुरे नहीं बनते कुरकुरे अपने आप में अलग जहां है अलग दुनिया उसकी मेकिंग उसकी रेसिपी अलग है ऐसे तो थोड़ा चेंज कर दो तो, वो थोड़ा चेंज कर किसी फ्लेवर चेंज हो सकता है लेस को थोड़ा चेंज कर दो कुरकुरे बाहर नहीं आते कुरकुरा लिखो कुरकुरे आफ्टर लेस कुरकुरे आफ्टर लेस ये भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट का ही पार्ट है मुकुल कल्याणी सोनी यादव राहुल प्रेरणा एवरीबडी इज राइट हाँ अब लिखेंगे मार्केट डेवलपमेंट बताओ बच्चों मार्केट डेवलपमेंट का एग्जाम्पल कौन से हा सेम प्रोडक्ट न्यू मार्केट सेम प्रोडक्ट न्यू मार्केट सेम प्रोडक्ट लिखो एप्पल इन इंडिया मर्सिडीज ऑडी मैकडोनल्ड्स के एफ सी ये सब कहां पे? इंडिया में आगे क्या कर रहे हैं? मार्केट डेवलप कर रहे हैं। प्रोडक्ट तो सेम ही ला रहे मर्सिडीज बी एमडब्ल्यू ऑडी ये सब क्या है सब फिरंगी है और सारे इंडिया में प्रोडक्ट बेच रहे हैं नाउ ट्रेड नाउ डूइंग बिजनेस इन इंडिया नाउ डूइंग बिजनेस इन इंडिया राइट तो क्या कहेंगे इसको मार्केट डेवलपमेंट कहेंगे वो लास्ट में क्या है पब्लिको डाइवर्सिफिकेशन सर डी भी इतने जगह पर दुकानें खोलता है क्या वो मार्केट डेवलपमेंट है जी हाँ है ना ऐसा इन्होंने सवाल पूछा था और टाटा यूएसए में अपनी गाड़ियां बेचे तो वो भी मार्केट डेवलपमेंट है जंडूबाम रशिया में बिक रहे तो बेहतर ही बाकी लोगों को आराम देंगे ओके <laughs> क्या लिखा आपने एग्जांपल मार्केट डेवलपमेंट क्या बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन न्यू प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट बोलो क्या लिखेंगे इसके बारे में लिखो एसपीसी एयरलाइंस ऐसा होगा नहीं कभी इतनी औकात नहीं है बट लिखने में क्या जा रहा है और आप लिखो रियल एग्जाम्पल लिखेंगे आईटीसी अच्छा आईटीसी ने नया सिगरेट लाया तो या होटल लाया तो होटल लाया तो ना मतलब कुछ अलग ही प्रोडक्ट ही नया है और उसका मार्केट नया आई टीसी होटल आटा एग्जाम्पल और एक सवाल में पूछ लेता हूं फिर ज्यादा खत्म करें आज का लेक्चर कल रिलायंस जो था ना बेसिकली आया था टेक्सटाइल और पेट्रोलियम से धीरू भाई ने वहां से स्टार्ट करी अब वो आए टेलीकॉम में जियो अब जियो टेलीकॉम तो नया प्रोडक्ट है पर सवाल उठ रहा है मार्केट नया है क्या क्या जरूरी है जो टेक्सटाइल के जो लोग थे वही टेलीकॉम लेंगे या टेलीकॉम अलग लोग भी हो सकते मतलब टेक्सटाइल वाला अलग बायर होगा कोई अभी टेलीकॉम तो कोई भी ले सकता अरे सिम कार्ड तो कोई भी ले रहा यानी इसकी मार्केट अलग है और वो जो पेट्रोलियम की मार्केट अलग है अरे बोलो भाई वो पेट्रोल किसको बेचते हैं पेट्रोल पंप्स को अगर बेचते हैं या उसका खुद का पेट्रोल वो अलग चीज़ है उसका मार्केट ही अलग है और आपका क्या है सिम कार्ड अलग मार्केट तो क्या हुआ जब जब क्या हुआ बताओ रिलायंस ने लॉन्च किया किसको को जियो टेलीकॉम या जियो मार्ट क्या जियो मार्ट एक नया प्रोडक्ट है जियो मार्ट की दुकान है ना किराना शॉप्स तो प्रोडक्ट तो नया है पर मार्केट भी नया है बिकॉज पहले टेलीकॉम पहले वो जो पेट्रोलियम था तो वो अलग मार्केट का था यह अलग है समझ आ रहा है अरे समझा क्या नहीं समझा एक एग्जाम्पल दूंगा सिर्फ जवाब देना टेस्ला ने ट्विटर चालू किया टेस्ला पता पता है Elon Musk पता है मस्क का, क्या गाड़िया बनाता है अब ट्विटर को एक्वायर किया आप मुझे बता दो ये प्रोडक्ट नया है हा नया है मार्केट भी नया है कैसे अरे वो गाड़िया बेच रहा पहले अब वो सोशल मीडिया दे रहा तो दोनों में मार्केट ही अलग है ना जरूरी नहीं कि कैसे बाय करने वाले लोग ही सोशल मीडिया सोशल मीडिया पर कोई भी जा सकता तो लिखो टेस्ला ट्विटर इतना लिख दो बस टेस्ला ट्विटर सो so सोगाइा हमने आज चार पॉइंट्स देखे और इस सिलेबस को भी समझने की कोशिश की थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अमेजिंग रिस्पॉन्स मैं आनंद सर को बुलाना ताकि मैं कल की क्लास का शेड्यूल भी आपको बता दूं तो दोस्तों कल की क्लास का शेड्यूल जो है वो थोड़ा सा मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं एक मिनट के लिए इसके बाद बार अकाउंट्स का लेक्चर जरूर होगा बट उसके पहले मैं आपको इतना बताना चाहूंगा रेगुलरली हमारे पूजा मैम ने आपको ऑलरेडी कहा होगा थोड़ा सा कल सर और पूजा मैम ने जिसके थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हो रहा है बट फ्रॉम मंडे जैसा हमने ऑलरेडी टेलीग्राम पे डे वन का दिया था ना मतलब वैसा वैसा ही फॉलो होगा कुछ इन दिनों में बहुत शादियां चल रही है एक्चुअली

देखो सर ये तो चाहे तो सर पूरी ज़िंदगी मजे उठा सकते हैं बट बावजूद इसके इन्होंने फैसला किया कि चलो क्लास में बैठते हैं एंड यहाँ पे आते हैं तो आप सभी को फिर से एक बार मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा सर सिर्फ रोजाना मैंने कहा मंडे सर हमारे लेक्चर वैसे ही होंगे जैसे कि हमने पहले दिन से कहा था yes. जो जब टेलीग्राम पर जो टाइम टेबल दिया था बे, बेसिकली जो दिया था बट सिर्फ कल के लिए हमारा शेड्यूल थोड़ा सा चेंज है तो कल सर क्या करेंगे हाँ सर आई विल बी टेकिंग ओनली आफ्टर मतलब जो आप दो बजे वगैरह दो बजे तो बेस्ट टाइम मतलब जैसा है भी तो एक काम करता हूँ मैं थोड़े दी से आपको एक टाइम टेबल बना के देता हूँ आप उस टाइम के हिसाब से उसको थोड़ा चेंज करेंगे राइट Perfect. तो जस्ट uh, 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 मैंने uh, जो मैम से बात की थी यू यू विल विल बी बी नॉट बी बी यू नॉट टेक एट एलेवन थर्टी राइट तो फिर अभी सबसे पहले uh, साढ़े नौ मैम कब लेती है लॉ का लेक्चर नाइन थर्टी से टेन थर्टी हाँ तो पहले पूजा मैम नाइन थर्टी से टेन थर्टी ले लेगी फिर टेन थर्टी से एलेवन थर्टी क्या होगा फिर मैं साढ़े ग्यारह से ले लू क्या हाँ फिर मैं साढ़े ग्यारह से लेता हूं ऐसे कर देता हूँ साढ़े ग्यारह से साढ़े बारह आप ले लो हाँ आप साढ़े बारह से एक लंच ब्रेक कर दो एक बजे आ पक्का हो जाएगा कल के दिन बाकी हमेशा मैं रोज एक बजे ही लूंगा मतलब अदरवाइज मंडे से कल के दिन के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कितने बजे सर साढ़े ग्यारह बजे ओनली फॉर टुमॉर आई एम टीचिंग इलेवन थर्टी बाकी जो शेड्यूल अपना चल रहा है वैसे चलेगा तो कल का क्या स्केड्यूल होगा नाइन थर्टी टू टेन थर्टी आपका चाल होगा टैक्स टेन थर्टी टू इलेवन थर्टी होगा लॉ साढ़े ग्यारह से साढ़े बारह बजे मैं पढ़ाऊंगा आधे घंटे का ब्रेक लेंगे एक से दो आनंदाएंगे मंडे से जो ऑलरेडी कहा था ना पहले ऑडिट होगा वैसे होगा वो वैसे ही चलेगा जो ऑलरेडी स्केड्यूल है ओके थैंक यू सो मच एवरीबडी बाय बाय टेक केयर और आनंद सर का लेक्चर अब तुरंत ही इसके बाद शुरू होगा थैंक यू सो मच एवरी एंड जो भी आपके डाउट्स है जो सब कुछ है नॉट टू वरी मैं सब कुछ जो भी सिलेबस के बारे में और कुछ पूछना है वगैरह सब हम लोग कल करेंगे है ना सर एस एम एफ एम सर पढ़ाते हो बस पढ़ाते हो थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ऑल द एप्रिसिएशन और तब तक हमारे हमारे लेक्चर के अंदर कभी भी कोई बदलाव होंगे टाइम या कभी कुछ हुआ आपके और मेरे बीच में कम्युनिकेशन का सबसे जरिया होगा सबसे पहले आप उसको फॉलो करें जो मैं कह रहा हूँ टेलीग्राम पे जाए स्वप्निल क्लास के चैनल को फॉलो करें अभी करें क्यों क्योंकि सबसे पहले वो जो स्वप्निल हो। होता है तो रोज आप अगर मुझे आपको कुछ बताना है तो मेरे और आपके बीच में और हमारे सबके और आपके बीच में एक जरिया होगा जिसका नाम है टेलीग्राम गुरु ठीक है ना तो मैं संकल्प लिखूंगा जो मुझे लिखना वो लिख दूंगा अगर मुझे आपको कुछ नोट शेयर करना है तो मैं यूट्यूब के नीचे डालूंगा पर टेलीग्राम पे भी दूंगा तो क्या ना इजी हो जाएगा ना नहीं तो फिर मैं आपको कहा दूंगा कोई है कोई नहीं है तो सब लोग वहीं पर मिलेंगे टेलीग्राम पर वहां से आपका कुछ आगे काम ओके थैंक यू सो मच एवरीबडी एंड नान स्टार्ट द लेक्चर जस्ट आफ्टर दिस थैंक यू सो मच एवरी बाय बाय टेक केयर